हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नर्सिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में रिपीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन के आंसर जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आपकी जॉब फिक्स है, आपकी कहीं कोई से भी हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो बड़ा हॉस्पिटल हो। आप इन क्वेश्चन के आंसर जरूर पता कर लीजिए, आप इनको पढ़ के जाइए। कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आधे घंटे एक घंटे पहले इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाइए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। ये आपके हर जगह काम आते हैं। आप कहीं पर भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, छोटे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर, जहाँ भी जॉब करते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सभी जगह ये क्वेश्चन काम आते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे। आज की वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको हर जगह काम आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने पहले कहाँ काम किया है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो आप सब कुछ बता दीजिए, आपको क्या क्या आता है, आपने पहले किस हॉस्पिटल में काम किया है। अगर आप फ्रेशर है तो आप बता दीजिए, हम फ्रेशर है। तो आपको उसी बेस पे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं बताता हूँ आपको 10 मोस्ट क्वेश्चन जो सभी से पूछे ही जाते हैं अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आप पढ़ के जाइए, इसमें आपको सब कुछ बता देंगे। वाइटल साइंस में जो जो है आप सब पढ़ लीजिए, क्योंकि आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है इमरजेंसी ड्रग्स, तो आप इमरजेंसी ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती है और किस काम में आती है और इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में भी पढ़ के जाइए। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाई रिस्क मेडिसिन, तो आप हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। 10 मेडिसिन तो आपको पता ही होना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ के जाइए और हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करिए जो भी आपसे पूछे। तो हाई रिस्क मेडिसिन ज़रूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा चौथा क्वेश्चन आता है GCS, तो आपको GCS पढ़ के जाना है, GCS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पाँचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ACLS और BLS, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म पढ़ लीजिए आप अच्छे से, इनके बारे में सब कुछ पढ़ के जाइए। और छठा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ब्रेडन स्केल क्या है, तो आप ब्रेडन स्केल के बारे में पढ़ के जाइए, ब्रेडन स्केल क्या होता है तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइए, आप पूरा प्रिपरेशन करके जाइए। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आप ज़रूर पढ़ के जाइए और बाकी भी क्वेश्चन आप आपके हिसाब से पढ़ लेना। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उन क्वेश्चन की भी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। अभी 10 क्वेश्चन की ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा और ये सीरीज़ चलती रहेगी, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा। तो हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो आ जाता है मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक, तो आपको एंटीबायोटिक ज़रूर पढ़ के जाना है। आप 10 मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक तो पढ़ ही लीजिए, 10 एंटीबायोटिक आपको पता होना चाहिए, तो एंटीबायोटिक आप पढ़ लीजिए। एंटीबायोटिक के बाद आप किससे पूछ सकते हैं बेड सोर क्या है, तो आप बेड सोर के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइए। बेड सोर और ब्रेडन स्केल आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ये दोनों तो पढ़ के ही जाइए आप। तो बेड सोर अगर आप ICU में करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ब्रेडन स्केल, बेड सोर। और जनरल वार्ड में भी आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ICU का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपसे बेड सोर जरूर पूछेंगे, तो आप बेड सोर पढ़ के जाइए। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं मोड ऑफ वेंटिलेटर, तो आप मोड ऑफ वेंटिलेटर भी पढ़ के जाइए। मोड ऑफ वेंटिलेटर में क्या क्या होता है, आप जितने भी मोड है सारे मोड पढ़ के जाइए। मोड ऑफ वेंटिलेटर पढ़ने के बाद आप 10वां क्वेश्चन पढ़ सकते हैं इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंट्यूबेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसके पर्पस पता होना चाहिए और इसमें जो जो इक्विपमेंट लगते हैं वो इक्विपमेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो इंट्यूबेशन आप ज़रूर पढ़ लीजिए। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये 10वां क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे आपकी जॉब पक्का लग जाएगी किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो, कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।